हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर। हमारे और हमारे चैनल की तरफ से और हमारी एकेडमी की तरफ से आप सबको धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल की तरफ से आज आपको कोई भी वीडियो नहीं मिली थी, क्योंकि मैं आपके लिए 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रही हूँ जो आपके हरियाणा से रिलेटेड होंगे, उसकी वीडियो और जो डिस्ट्रिक्ट रह चुके हैं और मैथ की सारी वीडियो आपको कल चैनल के ऊपर मिल जाएगी। जो बच्चे भी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत दिल से थैंक यू, जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं जिनसे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आज सिर्फ ये आपका टेस्ट है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैं ये टेस्ट है वो ऑफलाइन भी लिया है, क्योंकि ये टेस्ट की शेप में मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ऑनलाइन भी हम सेम टेस्ट ले रहे हैं और लोको पायलट का भी रिजल्ट आ चुका है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हमारी एकेडमी से जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनकी इमेजेस विद प्रूफ हम कल यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, और हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद हम ऑनलाइन उनको शो भी करें कि जिन जिन बच्चों का हमारी एकेडमी से सिलेक्शन हुआ है। हमारी एकेडमी से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा किन किन का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग सिर्फ इतना बताना कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते थे। ये क्वेश्चन मैंने पहले करा रखे हैं 200 क्वेश्चन में, तो इसके आंसर आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अवसर पर कोथली उपहार दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कार्बुजिए कहाँ का निवासी था? बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? कान्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है? बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? हरियाणवी नाटक सांझा सिर किसकी रचना है? गरोंडा किस जिले में स्थित है? बुनकरों का शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पैरकीट पर्यटन स्थल किस नगर में है? हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? चौधरी छोटू राम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? शास्त्रीय संगीत उस्ताद पंडित जसराज कहाँ पैदा हुए थे? हरियाणवी मुहावरा चिल्लम भरना का क्या अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर झील कहाँ पे है? दमदमा झील कहाँ पे है? खलीलपुर झील कहाँ है? सोहना कुंड झील कहाँ पे है? कोटला झील कहाँ है? उजीना झील कहाँ है? चंदेली झील, बड़खल झील, सूरज कुंड झील, करण झील, तिलियार झील और भिंडावास झील, ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर हैं? वीडियो को मैंने बहुत शॉर्ट रखना है, क्योंकि सिर्फ इतना चेक करना है कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है उसमें से आप लोगों को याद कितना है, कि आप लोग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर रहे हो उसमें से आप लोगों को इमिजिएटली कितने क्वेश्चन याद आते हैं। ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही है, और अगर किसी क्वेश्चन के आंसर के बारे में कोई भी डाउट होता है या अगर आपको इन सब के आंसर नहीं पता, तो मैंने 200 क्वेश्चन जो बनाए हुए थे उसी में से ये क्वेश्चन दिए हैं मैंने यहाँ पे, और 100 क्वेश्चन की भी सीरीज दी हुई है। दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप लोग ईमानदारी से कमेंट करना जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें से आप लोगों के सही कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चव्यन ऋषि की याद में मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ स्थित है? पीला ओढ़ हमारी जच्चा मुंडला बैठी गीत कब गाया जाता है? हरियाणा में सबसे कम साक्षरता वाला जिला और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला। कडुल्ला भूषण महिलाएं किस अंग पर पहनती है? कोस मीनार किसके द्वारा बनवाया गया? सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है? खिलाड़ी राम मेहरा का संबंध किस खेल से है? चंद्रकूप मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? और सुल्तान फिल्म में एक हरियाणवी पहलवान के रूप में भूमिका किसने निभाई? नेक्स्ट है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? और सदा बहने वाली नदी कौन सी है हरियाणा में? तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं सिर्फ आपकी क्विक रिवीजन के लिए। 100 क्वेश्चन की एक और सीरीज है जो आपको कल मिल जाएगी, शायद 100 से भी ऊपर हो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही थे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।